अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तैयब और आप देख रहे हैं M4 मेडिसिन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ाइलोरिक 300 mg पे के ज़ाइलोरिक किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किस किस बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसको खाने से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या क्या हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो एक दिन में डोजेज होती हैं वो कितनी होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ज़ाइलोरिक जो टैबलेट है वो 300 mg और 100 mg में होती है, और ये GSK कंपनी इसको बनाती है। इसके अलावा ये किन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है। ज़ाइलोरिक जो अमूमी तौर पर इस्तेमाल होती है वो यूरिक एसिड के इलाज में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये किडनी स्टोन में भी इस्तेमाल होती है, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसको खाने से जो इसकी यानी कि डेली की डोजेज क्या है। तो दोस्तों इसकी डेली की डोजेज 300 mg से लेके 900 mg पर डे हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो यूरिक एसिड की वैल्यू आ रही है उस पर। तो अब बात करते हैं कि इसको खाने से जो साइड इफ़ेक्ट रूनमा हो सकते हैं वो क्या क्या हैं। तो ज़ाइलोरिक को खाने से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें आपको नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अपसेट स्टमक हो सकता है यानी कि आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। इसके अलावा आपको स्किन रैशेज हो सकते हैं और हेडेक हो सकते हैं। ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये हर किसी में नहीं होते, ये 100 में से कोई 95 होते हैं जिनको ये साइड इफ़ेक्ट रूनमा नहीं होते, यानी कि 5% लोगों को साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारी जिस्म में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस ज़ाइलोरिक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अब्जॉर्ब नहीं करते, इनको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं रूनमा होते हैं। इसके अलावा आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल M4 मेडिसिन को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।